जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। पर्सनल होमगार्ड की यहाँ पे ज़रूरत है। सिर्फ 10 घंटे का काम है, रहना खाना फ्री, और यहाँ पे आपको होमगार्ड की जॉब करनी है तो आप भी यहाँ पे फटाक से इस जानकारी का लाभ उठाएं। जी हाँ, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इनका नाम है प्रिया देवी। इनकी उम्र जो है वो 26 ईयर यानी 26 साल है। इन्होंने हाल ही में आज आर्टिकल डलवाया है कि हमें होमगार्ड की घर पर ज़रूरत है। और होमगार्ड का काम क्या होता है वो तो आप लोग को मालूम ही होता है, साथ ही में इनका कुछ पर्सनल भी काम है वो भी आप लोग को करना पड़ेगा, होमगार्ड का भी काम करना पड़ेगा और घर के सारे काम करने पड़ेंगे। और साथ ही में अगर इनका एक लड़का या लड़की है, इसे स्कूल ड्रॉप करना, लाना, ले जाना, ये भी आप लोग को करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आज जो मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा अगर ये नौकरी आपको चाहिए तो। अगर ये आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे लिखा होगा नौकरी चाहिए और रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। बगल में कॉर्नर में एक बेल आइकन बनेगा, उस पर दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब और ऐसे होमगार्ड की भर्ती और जो भी रिलीजन भर्ती आती है, जो भी मतलब आती रहती हैं ऑल स्टेट में, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, आसाम हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, चेन्नई हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु, असम, मिजोरम, मेघालय, जितने भी आसपास के, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये पंजाब, जितने भी आसपास के राज्य में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, उन लोगों की हम मदद करते रहते हैं। साथ ही में ये भी बताते हैं कि आपके आसपास के राज्य में कैसे आपको नौकरी मिल सकती है। और एक बात का ध्यान रखिए, अगर आप भी को आपको कोई फोन करके कहता है कि 10,000-20,000 दे दो, हम तुम्हारा काम लगवा देंगे, तो उनकी बातों पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि जब काम लगता है तो उल्टा पैसा देना नहीं, पैसा मिलता है आप लोग को, क्योंकि प्राइवेट में सिर्फ मिलता है। ठीक है, ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है जिसमें आप 1,000-20,000-50,000-60,000 दो तो आपका, लाखों रुपए दो तो आपका काम लग जाएगा। ठीक है, तो प्राइवेट जॉब में कोई घुस वगैरह नहीं चलती है। चलिए, जो बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए। आपको कॉन्टैक्ट नंबर और जीमेल में सबसे पहले आपको बता देता हूँ। आप अगर इच्छुक हैं तो अपना स्टेट नेम, राज्य का नाम और अपना मोबाइल नंबर, ठीक है, और अपना नाम कमेंट कर देंगे। तो आप अगर यहाँ के आसपास के हैं, दिल्ली के आसपास के हैं, मुंबई के आसपास के हैं, कोलकाता के आसपास के हैं, तो आप लोग से संपर्क कर लिया जाएगा, या यूपी के आसपास के हैं तो। ठीक है, और आगे बता दूं कि इनके यहाँ घर पे जो काम है, यहाँ पे पूरा गार्डन भी है, गार्डन की सफाई करना, घर की सफाई करना, इनकी कार की सफाई करना, बेटी या बेटू को स्कूल ले जाना, लाना, होमगार्ड के जितने काम होते हैं वो आप लोग को करना पड़ता है। ठीक है, साथ ही में 2-4 और होमगार्ड इसमें रहेंगे, मतलब बड़ा है इनका सब कुछ, तो यहाँ पे आप लोग को 2-3-4 लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। और ऐसे ही कम से कम 10 महिलाओं ने हमें ये रिक्वायरमेंट के लिए आर्टिकल डालने के लिए बोला है, तो कम से कम यहाँ पे 8-10 × 10 यहाँ पे 10 कर देंगे, तो टोटल 80 या 100 से भी ऊपर लोगों की यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। तो और पिछले महीने में कम से कम हमने 8-900 लोगों की मदद भी कर चुके हैं, उनका काम लगवा चुके हैं। हम यहाँ पे जॉब आइडिया देते हैं कि आप खुद से कैसे जॉब की तलाश कर सकते हो और हमारे माध्यम से कैसे आप जॉब ले सकते हो, इन जानकारी को हम बताते रहते हैं। ठीक है, तो आप चैनल पर और सारी वीडियो देखोगे तो जॉब आइडिया में बहुत अच्छी अच्छी आइडिया दी गई हैं। आप चाहो तो खुद के दम पे नौकरी ढूंढ सकते हो या हमारे माध्यम से आप नौकरी पा सकते हो। तो ये थी होमगार्ड की भर्ती, फटाक से इसका नंबर और ईमेल नोट कर लो। ठीक है, नंबर नोट कर दो, +18 टोल फ्री नंबर है, ठीक है, दिन में मिलाइएगा, 1800002224। ठीक है, इस पे आप मिलाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ आपको ईमेल है, ठीक है, अगर आपको ये रिक्वायरमेंट चाहिए तो इन्हीं के जीमेल पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, priyadevi121 लास्ट में जोड़ देंगे @gmail.com। इस पे अपना रिज्यूम बना के आप सेंड कर सकते हैं। और इस होमगार्ड की पोस्ट के लिए आप लोगों के पास अनिवार्यता यानी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, कम से कम आप समझदार हो, या 5वीं पास हो, या 8वीं पास हो, या 10वीं पास हो, या 12वीं पास हो, उम्र आपकी 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, 50 साल से नीचे होनी चाहिए, सिंसियरिटी आप लोगों के अंदर, समझदारी होनी चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है, लंबाई वंबाई से इसमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आधार कार्ड होना अनिवार्य है। ठीक है, ये आपका बताता है। अगर आपको पेमेंट खाते में चाहिए तो आप अपना अकाउंट नंबर भी यहाँ पर जमा कर सकते हैं, या कैश चाहिए तो कैश भी ले सकते हैं। फैमिली को रखना अलाउ बिल्कुल नहीं है यहाँ पर जॉब में। ठीक है,
है, तो यहाँ तक मैंने जो आप लोग को बताना था बताया, नंबर दिया, ईमेल दिया। और हाँ, ऐसे ही जॉब आइडिया के लिए आप खुद चाहो तो कहीं भी जाके बड़े बड़े यहाँ पे जो भी होते हैं वहाँ पे उद्योगपति वगैरह, उनके यहाँ होटल कंपनी, रेस्टोरेंट, ढाबा, मार्ट वगैरह में खुद से चाहो तो आप जाके जॉब आइडिया यानी डिस्कस कर सकते हैं कि क्या सर यहाँ पे हमारे लिए कोई काम है, तो वो लोग आप लोग को बता देंगे। देखिए, शर्म करेंगे तो आप लोग को नौकरी नहीं मिलेंगी, अगर शर्म आपके अंदर नहीं है तो नौकरी आपके पीछे भागेगी, क्योंकि आप पीछे भागोगे नौकरी की तलाश में। यहाँ तक जानकारी देखने के लिए धन्यवाद, फिर से मिलेंगे अच्छी जानकारी के साथ ऐसे ही जॉब और जॉब आइडिया में।